बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अपने चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून के बारे में। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही डिस्कस करूँगी। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए अमियोन की शर्त ख़त्म कर दी गई है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में दाखिले के लिए तमाम ज़ायरीन के लिए अमियोन की शर्त ख़त्म कर दी गई है। वाज़े रहे कि ममलकत में रहने वाले मुकीमीन और सऊदी शहरियों के लिए लाजमी है कि वो तवक्कलना और अतमरना ऐप से उम्रा परमिट हासिल करें। तवक्कलना ऐप पर इजाज़तनामे के लिए अमियोन की शर्त लाजमी है। अंदरून ममलकत उम्रे का इजाज़तनामा सिर्फ उस सूरत में जारी होगा जब तवक्कलना ऐप में सेहत स्टेटस मुहसिन और नज़र आ रहा होगा। अफसर सिस्टम में उम्मीदवार को अपने क्वाइफ अपडेट करना होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफेल छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ राबता करें। हम इंशाल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करें। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।